एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज है भाई दूज हमारे वाला, तो जिन वाला हो गया कल का। अभी हम लोगों को जाना है मम्मा के घर में। टाइम हो चुका है 8 बज गया ना, और मैंने शॉवर ले लिया है। इवी अभी सोए हैं, उनको रेडी करना है, और जिनू भी शॉवर वगैरह लेके ये दोनों रेडी हैं टीका लगाने के लिए। हैप्पी भाई दूज, आप भी बोल दो हैप्पी भाई। जिनू का ध्यान सिर्फ खाने पर अभी, कि मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, है ना। इधर से खोलना है बस। उसको थोड़ा सा खिलाएगी, बाकी मैं खा लूंगा, फिर खांसी हो जाएगी। जाए उधर क्या कर रहा है? थोड़ा सा वो करके इवो, थोड़ा सा उधर से ले लो यार। नहीं है भाई, उसमें इसमें ड्रॉप डालो पानी। फूल बैंक हो भैया, जय करो, जय आशीर्वाद दो भैया को। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। इवा और ये मतलब इवा ने जो है टीका लगा दिया है एना को। अभी फटाफट से निकलते हैं, जिन्हों को कॉलेज जाना लेट हो रहे हैं काफी ज्यादा, तो मैं मम्मा जाके आपसे बात करूंगी। नानी कर आयो, मैं नानी कर आया। इवा मोमो उधर है। इवा नानी मोमो को देख रहे हो? नानी मोमो बात नहीं कर रहे आपके साथ? नानी मोमो बात नहीं कर ली। जैसे ये जो चप्पल और शूज है ना, इनको थोड़ा और पीछे कर दो यार, इधर अच्छे नहीं लग रहे। उधर अच्छे नहीं लग रहे। अंदर लड्डू, अंदर लड्डू, अंदर लड्डू। तो अभी हम लोग मम्मा के घर तो आ गए थे, उसके बाद हमने साहिल और कायरा का वेट किया। वो क्योंकि कायरा भी जो है कल शाम से अपने मम्मा के घर गए थे, तो अभी वो उनको ऑफिस भी जाना है दोनों को, तो अभी थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी में ही सब कुछ होगा। ईवी ऐसे बिल्कुल शांत थे, लेकिन जैसे ही हमने टीका लगाना स्टार्ट किया तो वो काफ़ी ज़्यादा ना रोने लगे। और एरिक बिल्कुल शांत थे, और एरिक भी थोड़ी देर के बाद इसी तरीके से इरिटेट हो रहे थे, और रणवी भी। बस ये तीनों बच्चे जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रखा था। जैसे हम लोग आ गया तो बच्चा पार्टी ने तो टीका लगा दिया है, अभी हम लोगों की टर्न है। हम लगा रहे हैं भाई को और भाभी को, मतलब कायरा को और साहिल को। और बस यहाँ पे क्या है,
कि हमने यहाँ पे ना मिठाई नहीं रखी थी, ड्राई फ्रूट्स रखे थे, क्योंकि बच्चे लोग ना इतना ज़्यादा अटैक कर रहे थे ना मिठाई के ऊपर, और सभी जैसे इस वक्त ना किसी को कोल्ड हुआ है, किसी को कफ है, तो बच्चों को तो बिल्कुल मिठाई तो देनी नहीं थी उनको। वैसे मीठे में कुछ भी हो जाए, चाहे घर का हाथों से बना हुआ कुछ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो चलती है। हम लोग तो गुड़ से भी करा देते हैं, तो गुड़ ही रखा जाता है वैसे तो, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब मीठे में आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे जो है मैं भी टीका लगा चुकी हूँ। आग लगा देंगे। तो अभी जैसू भी लगा चुके हैं टीका, और अभी जो है शानू की टर्न है, और ये है शानू का ब्लैंकेट जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसको तो वो 1 मिनट के लिए भी ना छोड़ती नहीं है, इसको मतलब 24 आवर्स वो अपने साथ ही रखते हैं, उठते बैठते सोते जागते खेलते, उनको ये चाहिए ही चाहिए। तो बस ऐसा ही ना एक अयाना का भी ब्लैंकेट है, तो उसको भी वो छोड़ते नहीं थे बड़ी मुश्किल से, मतलब 5-6 साल के जब वो होते फिर हमने छुड़ा दिया था। एक बार तो हम दीदी के घर गए थे रहने के लिए, तो उन्होंने हमें वहाँ से 11 बजे मतलब हम उनके घर से अपने घर वापस आए थे, क्योंकि उनका ब्लैंकेट लेना हम भूल गए थे। तो शायद से मैं ये चीज़ आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे अभी शानू जो है मतलब शनाया जो है वो टीका लगा रहे हैं आरवी को। कोई बात नहीं। कितना सही आ रहा है।
अभी हम लोग जो है टीका वगैरह लगा चुके हैं, सभी बच्चों ने भी लगा लिया है, तो बच्चे काफी ज्यादा मतलब परेशान करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, ड्रेस चेंज करनी है, क्योंकि ईवू को ना इस ड्रेस में ऊपर नीचे करने में काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, कांगुली चाह रहती है ना फ्रॉक, तो फिर मुश्किल होता है ना। जैसू आपने वो नहीं बोला हैप्पी बाई दूज, तो ये देखो ईवी की ड्रेस भी चेंज कर दी है, ये परेशान लड्डू है। तो अभी हमें करना है लंच, मम्मा ने लंच रेडी कर दिया है और आज उन्होंने मसाला डोसा बनाया तो वो खाना है हमको, लेकिन पहले इनको सुला लेती हूँ, पता नहीं सोना है, थोड़ी देर सो रही थे, अभी फिर से सोना होगा उन्होंने। तो बस बच्चों की मस्ती जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ईवी देखो कितने ज़्यादा शरारती हो गए, नॉटी हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो अभी वो ना शानू को परेशान कर रहे थे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।